प्लेस पर पुट कर सकते हैं। सो हमने एन के प्लेस पर वन पुट किया सो डैट हमें पता चल सके कि अगर हम फर्स्ट टर्म चाहिए हमें या वन टर्म का सम चाहिए तो वो कितना आएगा। एन के प्लेस पर वन पुट किया जिससे हमारे पास एस वन की वैल्यू आ गई 3। बट अभी जैसा कि हमने देखा था सम ऑफ वन टर्म हमेशा फर्स्ट टर्म के इक्वल होता है। सम ऑफ वन टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, सो हमें फर्स्ट टर्म इस एपी की पता चल गई विच इज 3। यहाँ ए वन लिखा है, आप खाली ए भी लिख सकते हो। नाउ वी हैव फर्स्ट टर्म, अब हमें सम ऑफ टू टर्म्स, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है जिसके लिए हमें टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स चाहिए, तो मैं सेकेंड टर्म भी फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ यूजिंग सम ऑफ टू टर्म्स। सम ऑफ टू टर्म्स के लिए मैं इसी फॉर्मूला में एन के प्लेस पर टू पुट कर दूंगा। सम ऑफ टू टर्म्स हो जाएगा कितना, एन के प्लेस पर टू पुट किया तो आंसर क्या आया, 4। नाउ सम ऑफ टू टर्म्स बट क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। तो यहां पर सम ऑफ टू टर्म्स के प्लेस पर मैंने लिख दिया फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट। सो सम ऑफ टू टर्म्स इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म की वैल्यू तो हमें पता है, सम ऑफ टू टर्म्स भी हमें पता है 4 है, तो उससे हमारे पास आ गया सेकेंड टर्म की वैल्यू। फर्स्ट टर्म के प्लेस पर हमने फर्स्ट टर्म पुट की विच इज 3। एस एन के प्लेस पर मीन्स सम ऑफ टू टर्म्स के प्लेस पर हमने सम ऑफ टू टर्म्स पुट किया विच इज 4, और सॉल्व करके हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई 1। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है सेकेंड टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। मीन्स ए टू में से अगर ए वन को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। वी हैव कॉमन डिफरेंस। नाउ यू हैव फर्स्ट टर्म, यू हैव कॉमन डिफरेंस, यू कैन फाइंड आउट एनी वैल्यू जो भी उन्होंने पूछी है, जिसमें से हम काफी सारी वैल्यूज ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। हमने फर्स्ट टू टर्म्स का सम भी फाइंड आउट कर लिया विच इज 4, हमने फर्स्ट टर्म भी फाइंड आउट कर ली विच इज 3, सेकेंड टर्म भी फाइंड आउट कर ली विच इज 1। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड द nth टर्म। थर्ड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म के लिए थर्ड टर्म का फॉर्मूला विच इज ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी यूजिंग दिस फॉर्मूला। ए के प्लेस पर ए की वैल्यू, डी के प्लेस पर डी की वैल्यू, जिससे कि हमारे पास आ गया आंसर -1। टेंथ टर्म की वैल्यू के लिए ए प्लस 9 डी यूज करेंगे, ए के प्लेस पर ए की वैल्यू, डी के प्लेस पर डी की वैल्यू, जिससे हमारे पास आंसर आ गया -15। यस एंड नाउ सम nth टर्म, नॉट सम, nth टर्म। nth टर्म जब भी पूछी हो तो आप ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे, उन्होंने कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी है एन की, है ना, उन्होंने ये नहीं बोला है, कोई भी रेफरेंस नहीं दिया है कि इतनी टर्म्स का निकालो उतनी टर्म्स का, उन्होंने बोला है सिर्फ nth टर्म का। तो आप एन के प्लेस पर एन रहने दोगे, ए और डी की वैल्यूज पुट कर दोगे, तो उससे आपके पास ए एन का अपना फॉर्मूला आ जाएगा इस एपी के लिए, दैट इज 5 -2n। यस सॉरी, बस यही वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज कि S1 हमेशा फर्स्ट टर्म के इक्वल होता है। तो अगर आप एन के प्लेस पर, आपको एस एन का फॉर्मूला अगर दिया हुआ है या एस एन की जनरल टर्म दी हुई है, तो आप एन के प्लेस पर 1 पुट करो, आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। S2 जो होता है वो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होता है, तो उसमें भी आप एन के प्लेस पर 2 पुट करोगे, आपको S2 मिल जाएगा। ए की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, उससे आपके पास A2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर कॉमन डिफरेंस A2 - A1 होता है, उससे आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। व्हेन यू हैव कॉमन डिफरेंस, व्हेन यू हैव फर्स्ट टर्म, आप दोनों की हेल्प से कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। दैट्स इट, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ये प्री बोर्ड्स में तो जरूर आएगा आपके, देख लेना, टीचर्स जरूर देंगे अगर डिस्क्रिप्टिव हुआ तो, अगर ऑब्जेक्टिव भी हुआ, एमसीक्यू भी हुआ, तब भी वो दे देंगे, पूछ लेंगे कि फर्स्ट टर्म का ऑप्शंस दे देंगे या थर्ड टर्म के ऑप्शंस दे देंगे या कुछ भी करना है ऐसे ही आपको सॉल्व। फाइन, अब इसके आगे क्वेश्चंस इजी इजी से है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स हालांकि पॉसिबल है अगर आपका ये सिलेबस रहा जो पिछले साल वाला था, या और भी रिड्यूस हुआ या कुछ भी रैशनलाइज हुआ, तो वर्ड प्रॉब्लम्स जो है इसकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स वो हट जाएंगी।
ये कॉन्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन, नीचे स्पाइरल वाला क्वेश्चन, वुड लॉक्स वाला क्वेश्चन, ये सब हट जाएंगे। लास्ट ईयर भी नहीं थे, इस साल भी शायद ना हो, स्टिल हम कर लेंगे, इतने मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12, ये इजी सा क्वेश्चन है। इसमें आपको सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, ये आपने असाइनमेंट में भी मैंने दिया था, उसमें बस 40 नहीं था, कुछ और थे, डिविजिबल बाय 6 बोला था। तो डिविजिबल बाय 6 जो भी होंगे, देखो पहले आप स्टेटमेंट इस तरह से लिखोगे, यस SN का फॉर्मूला आप यूज करोगे, बट प्लीज अगर डिस्क्रिप्टिव में हुआ तो आपको इस तरह से स्टेप्स लिखने होंगे कि पहले आप 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लिखोगे, डायरेक्ट AP का फॉर्मूला नहीं, या आप डायरेक्ट ये नहीं लिख दोगे कि ये AP है, आप लिखोगे ये है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स इस तरह से होंगे। फिर आप बोलोगे सिंस कॉमन डिफरेंस इनका इक्वल है तो ये क्या है, एक AP है। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया हुआ कि AP है, तो SN का फॉर्मूला आप अप्लाई तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आप खुद यहाँ पर इनको ना बता दो कि भाई ये एक AP है, डेट्स वाई हम SN का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। AP है जिसमें फर्स्ट टर्म कितनी है, 6 है, कॉमन डिफरेंस भी कितना है, 6 है, एन की वैल्यू कितनी है, 40 है। नाउ यू कैन यूज SN का फॉर्मूला बिकॉज आपने बता दिया कि ये एक AP है। सो SN का फॉर्मूला आप यूज करोगे, 2a + n - 1 × d, n के प्लेस पर n पुट करो। प्लीज ऐसा मत किया करो, मैंने असाइनमेंट में भी देखा कि इन केस आपको सिर्फ AP दे रखी है, ये 6, 12, 18 है ना, और आपसे पूछा है 40th टर्म तक का सम बताओ, तो उस केस में आप 40th टर्म निकालने मत बैठा करो कि पहले आप 40th टर्म निकालोगे उसके बाद में वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। प्लीज यूज दिस फॉर्मूला, वो बहुत लेंदी और थोड़ा सा, नो ऑफेंस, थोड़ा स्टूपिड लगता है कि आपको AN निकालने की जरूरत क्या है जब ऑलरेडी फॉर्मूला में आप AN कैलकुलेट कर रहे हो, या फिर आपके पास बिना AN निकालने वाला फॉर्मूला है तो क्यों ये फालतू का स्टेप आप इसमें इन्वॉल्व कर रहे हो। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप स्टूपिड हो या कोई और स्टूपिड है, बट इट शोज कि आप प्रॉपरली फॉर्मूलाज का यूज नहीं कर पा रहे हो, मींस आपने एक दिमाग में रट लिया कि हमें सम कैलकुलेट करने के लिए लास्ट टर्म चाहिए, जो जो कि जरूरी नहीं है। इफ यू हैव दिस फॉर्मूला यू डोंट नीड लास्ट टर्म, आपको सिर्फ एन की वैल्यू पता होनी चाहिए, लास्ट टर्म इसमें अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगी। उस दिन मैंने बताया था कि इसी के अंदर लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला होता है, तो आप फिर क्यों दो तीन स्टेप एक्स्ट्रा करो, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं और स्टेप्स भी आपके बढ़ जाएंगे। चलो तो एन के प्लेस पर एन की वैल्यू आप पुट करोगे, ए के प्लेस पर ए की वैल्यू विच इज 6, एन के प्लेस पर अगेन एन, एंड डी के प्लेस पर डी की वैल्यू, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यस सोलोनी एंड गौरी 4920। ये हो गया सम ऑफ 40 टर्म्स, फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ दिस AP, या स्टार्टिंग के 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिविजिबल है, उनका सम 4920। ऐसे क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके हो, फिर भी हम कर रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के मल्टीपल्स, 8 के मल्टीपल्स में कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 8 के मल्टीपल्स पूछे हैं तो वो 8 को काउंट नहीं करते, वो सीधे कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 16 से। 8 का मल्टीपल खुद 8 भी होता है, मल्टीपल्स की जब भी बात होती है तो हम उसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 8 वंस आर, फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 8 का 1 का मल्टीपल क्या हुआ, 8 होगा, फिर 8 और 2 का मल्टीपल क्या हुआ, 16 होगा। तो मल्टीपल जब भी पूछा है तो वो नंबर भी इन्वॉल्व होगा जिस मल्टीपल के बारे में वो बात कर रहे हैं, जिस नंबर के बारे में वो बात कर रहे हैं। ठीक है, यस। सो यहाँ पर AP क्या बनेगी, यहाँ पर सीरीज क्या बनी, 8, 16, 24 up to 15th टर्म। यहाँ पर जब हमने ऑब्जर्व किया तो देखा कॉमन डिफरेंस इक्वल है, जिससे कि ये कह सकते हैं ये एक AP है। AP है जिसमें फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस भी 8 है, एन की वैल्यू 15 लेकर हम सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 कैलकुलेट कर सकते हैं। सो SN इक्वल्स टू एन ओवर टू 2a + n - 1 × d, एन के प्लेस पर एन को पुट किया डेट इज 15, ए के प्लेस पर ए विच इज 8, 15 - 1 × d डेट इज 8। सो आंसर कितना आया, यस 960। ठीक है, प्लीज
प्लीज कैलकुलेशन जब करते हो और स्टेप्स जब लिखते हो तो मेक श्योर स्टेप्स फालतू भी ना हो। स्टेप्स फालतू करने से आपका क्वेश्चन लेंदी हो सकता है और आपको भी कंफ्यूजन हो सकता है। स्टेप्स टू द पॉइंट होने चाहिए। यहाँ तो मैंने आप जो स्टेप्स लिखे हैं वो बॉर्ड मास के हिसाब से लिखे हैं, बट फालतू के स्टेप्स नहीं बढ़ाने हैं, ठीक है? जैसे किया हुआ था 15-1 ना करके आप पहले 8 को 15 से भी मल्टीप्लाई करो, 8 को 1 से भी। दैट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि बॉर्ड मास के हिसाब से पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यूज जो सॉल्व हो सकती हैं उन्हें करते हैं। अगर नहीं हो रही है कोई एक वेरिएबल है वो एक बात अलग है, बट अगर ये 15-1 सॉल्व हो सकता है, 14 हो सकता है, तो क्यों आप 8 की मल्टीप्लाई पहले 5 में फिर 8 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे? नहीं करना है ऐसा, ठीक है? 14 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो ये क्वेश्चन था, इजी थे, ये आपने पहले भी कर लिए थे ऐसे क्वेश्चंस, तो आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। असाइनमेंट में भी आपने किए, बहुत सारे बच्चों ने असाइनमेंट नहीं किए, उनका लॉस, मेरा नहीं। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच में ऑड नंबर्स। प्लीज याद रखना एक चीज, यहाँ पर बताता हूँ। सपोज करो ये पूछा होता, फाइंड सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 2 एंड 50, तो इस केस में एपी क्या बनती? कैन यू टेल मी? फाइंड सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 2 एंड 50, तो इस केस में एपी क्या बनती? बताइए बताइए। चेक आउट दीज टू वर्ड्स, ठीक है? यू हैव टू मेक श्योर कि बिटवीन पूछा है या फ्रॉम पूछा है। बिटवीन पूछा है तो आप 2 और 50 को इंक्लूड नहीं करोगे। उन्होंने बोला है 2 से 50 के बीच में, अगर ये इंक्लूड कराना होगा तो वो लिखेंगे इंक्लूडेड 2 और 50। अगर लिखा है फ्रॉम 2 टू 50, उस केस में आप 2 और 50 को इंक्लूड करोगे। बिटवीन लिखा है तो आप 2 और 50 को इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है? इस क्वेश्चन में तो ऑड पूछा है तो ये तो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, बट मैंने बता दिया है आपको इन केस नहीं, वन वन होगा इसमें, तो 1 होगा बच्चे। मैं इवन वालों का पूछ रहा हूँ यहाँ पर। फाइंड सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स। इवन नंबर्स अगर पूछा है और ये बोला है बिटवीन 2 टू 2 एंड 50, 2 और 50 के बीच में आप इवन नंबर्स का सम बताइए, तो उस केस में एपी क्या बनेगी? 4, 6, 8। 2 इंक्लूड नहीं होगा, 50 भी इंक्लूड नहीं होगा। और अगर पूछा है फ्रॉम 2 टू 50, तब 2 और 50 भी इंक्लूड होगा। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? गॉट इट? बिटवीन एंड फ्रॉम का ध्यान रखना, बिटवीन बोला है या फ्रॉम पूछा है। छोटी सी चीज है, हालांकि ऐसा कोई वो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट देंगे नहीं जिसमें आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाए, फिर भी मैंने आपको बता दिया है इन केस ऐसा लिखा है तो आप उन नंबर्स को इंक्लूड नहीं करोगे बिटवीन में जो नंबर्स के बीच की वैल्यूज उन्होंने पूछी हैं। फ्रॉम पूछा है तो फिर वो दोनों नंबर्स भी इंक्लूड करने हैं। ऐसी सिचुएशन वो देते नहीं है क्योंकि यहाँ पर वो आपकी इंग्लिश की स्किल्स का टेस्ट नहीं ले रहे हैं, मैथ्स का टेस्ट है, तो इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे कि एक वर्ड की वजह से पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाए। नाउ 0 एंड 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स की सीरीज है वो क्या बनेगी? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन अप टू 49। लास्ट नंबर जो होगा वो 49 होगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी, लेकिन आप डायरेक्ट मत लिख देना कि यहाँ पर एन कितना होगा। 0 से 50 के बीच में कितने होंगे ऑड नंबर्स? कैन यू टेल मी? 0 से 50 के बीच में कितने और नंबर्स होंगे? यस, लेकिन वो आप डायरेक्ट मत लिख देना कि यहाँ पर n 25 होगा। नो,
आपको वो कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। सो पहले हम बता देते हैं कि ये एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता अभी कितनी है, तो एन कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लास्ट टर्म ए एन दी है 49, तो पहले हम एन की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाएंगे। प्लीज डायरेक्ट मत लिख देना। सो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू ए एन, विच गिव्स अस आंसर तो वही आना है ऑब्वियसली, 48 माइनस 2 विच इज प्लस 250, एंड एन की वैल्यू आ गई 25। एन की वैल्यू 25 आ गई, उसके बाद में आप सीधे एन एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। एस एन के फॉर्मूले में ए भी है, ए एन भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, एन भी है, कोई सा भी फॉर्मूला यूज करो। मैं यहाँ पर फॉर्मूला ये वाला यूज कर देता हूँ क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मेरे पास है। तो एन ओवर 2 ए प्लस ए एन, एन ओवर 2 ए प्लस ए एन, जिसकी वजह से हमारा आंसर आ गया 625। इजी, कोई परेशानी इस प्रश्न में बताइए, किसी भी प्रकार का कोई संशय हो आपको, संशय मीन्स डाउट। गुड, वेरी गुड। चलो तो अब आते हैं, मेरे हिसाब से वर्ड प्रॉब्लम होगी। यस, ये क्वेश्चन बहुत आता है, कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन जॉब वाला, अगर ये क्वेश्चंस एक्सक्लूडेड नहीं है तो। ओके अक्षर, ठीक है, अगर आपके वर्ड प्रॉब्लम्स एक्सक्लूडेड नहीं है तो ये क्वेश्चंस आएंगे। लास्ट ईयर ये आपके कोर्स से हटा दिए गए थे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से भी वर्ड प्रॉब्लम्स हटा दिए गए थे, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं थे। आई एम श्योर इस बार भी वो हटा देंगे, स्टिल नहीं हटाते तो आपको आने चाहिए, नहीं हटा दें तब भी आने चाहिए, नहीं भी हटाए तब भी आने चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज, कि एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, कंस्ट्रक्शन जॉब है, उस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, और उसमें गवर्नमेंट या जिस एजेंसी ने भी उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उन्होंने ये बोल दिया कि अगर आपने इस टाइम लिमिट तक काम फिनिश नहीं किया तो आपको पर डे पेनल्टी देनी पड़ेगी। और पेनल्टी क्या है, फर्स्ट डे अगर एक दिन आपका काम डिले हुआ तो उस दिन के आपको 200 रुपीज देने होंगे, सेकेंड डे अगर आपका काम डिले हुआ तो उसमें 50 रुपीज और ऐड हो जाएंगे, मीन्स 250 रुपीज देने होंगे, थर्ड डे के लिए आपको 300 रुपीज देने होंगे, फोर्थ डे के लिए आपको 350 रुपीज देने होंगे। इस तरह से पेनल्टी 50 रुपीज बढ़ती चली जाएगी पर डे, हर डे की आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो कॉन्ट्रैक्टर लेट हो गया, 30 डेज उसका काम डिले हो गया, वी नीड टू फाइंड आउट कि कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेनल्टी देनी होगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पेनल्टी से देखोगे कि सीरीज क्या बनती है। फर्स्ट डे की पेनल्टी कितनी होगी, 200 रुपीज, सेकेंड डे की 250 रुपीज, फिर 300, फिर 350, अप टू 30 डेज। अप टू 30 डेज का मीनिंग क्या हुआ, 30 यहाँ पर क्या गिवन है, कैन यू टेल मी वॉट इज 30, इज इट ए एन और एन? अप टू 30 डेज, 30 डेज, एन की वैल्यू हुई 30, ए एन तो नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्वियसली 30th डे पे उसको बहुत सारे पैसे देने होंगे, 30 रुपए तो नहीं देने होंगे। तो एन क्या है, एन है 30 अक्षत, ए एन नहीं है 30, ए एन कैसे हो सकता है 30? पेनल्टी बढ़ रही है, 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, तो 30th डे पे उसको आगे तो और ज्यादा ही पैसे देने होंगे, ये भी लॉजिक आप लगा सकते हो। तो 30 ए एन नहीं होगा, 30 क्या है, 30 क्या है, एन की वैल्यू, नंबर ऑफ डेज। फाइन, तो 30 डेज के लिए उसको पेनल्टी 250 फर्स्ट टर्म क्यों होगी बच्चे, 200 रुपये देने थे उसको फर्स्ट डे के, 200 फॉर दी फर्स्ट डे, तो 200 ही तो होंगे फर्स्ट डे के। यस कॉरी, टोटल पेनल्टी बतानी है तो यस हमें एस एन कैलकुलेट करना है। अक्षत, पेनल्टी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, 200 रुपये से या 250 रुपये से? हाँ, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, 200 रुपये, फिर उसमें 50 रुपये और ऐड हुए,
सेकेंड टर्म आ गई 250 रुपये, फिर 50 रुपये और ऐड हुए, थर्ड टर्म आई 300 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक एपी बन गई, क्लियरली इट इज एन एपी विद फर्स्ट टर्म 200, कॉमन डिफरेंस 50 रुपीज, एंड एन की वैल्यू नंबर ऑफ डेज जो है वो कितने हैं, 30 हैं। 30 दिन की पेनल्टी हमें निकालनी है, तो देखते हैं 30 दिन की। अब याद रखना, ये ऐसा भी पूछ सकते हैं 30th डे की पेनल्टी क्या होगी, देखे नास 30th डे की पेनल्टी, तो उस केस में आप A30 कैलकुलेट करोगे, और अगर वो पूछ रहे हैं टोटल कितनी पेनल्टी देनी है तो आप S30 सम ऑफ 30 टर्म्स निकालोगे। यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि कितनी पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्टर को 30 डेज के लिए, तो हम S30 निकालेंगे ना कि A30। फाइन, चलो तो यहाँ पर कैलकुलेट करके आप बताओ कितना आंसर आएगा, जल्दी जल्दी से खुद से करो बिना पीछे आंसर देखे। यस अक्षत, अगर 30th डे की पूछी होती तो हम A30 का फॉर्मूला A+29D यूज करते, लेकिन यहाँ पर 30th डे की नहीं पूछी है पेनल्टी, उन्होंने पूछा है फर्स्ट डे से 30 डेज तक की जितनी भी पेनल्टी है वो मिलाकर कितनी होगी, मीन्स SN बताना है आपको, S30 बताना है। ₹27,750, चलो देखते हैं 27,750। वी नो डेट SN का फॉर्मूला अप्लाई किया, और इस प्रकार से हमारे पास जो जवाब है वह कितना आया, 27,750। किसी को कोई प्रश्न इस संदर्भ में? गुड, विनायक, विनायक ऑफलाइन अभी 5-6 महीने नहीं होगी जब तक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नहीं होगा, एज आई टोल्ड यू लास्ट क्लास में कि गवर्नमेंट अभी कोई प्लान नहीं कर रही स्कूल खोलने का ना कोचिंग सेंटर्स। आई नो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स छुप छुप के पढ़ा रहे हैं, बट आई डोंट वॉन्ट टू बी लाइक, मैं ये फील नहीं करना चाहता कि हम कोई अपराध कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो बेटर है कि टीचर है तो कोई ऐसा काम ना करें जो रूल्स के खिलाफ हो, ठीक है, एंड ऑल्सो आपकी हेल्थ और मेरी हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बेटर है कि अभी फिलहाल आप घर पर ही पढ़ो, नहीं समझ आता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई कैन नॉट स्टार्ट ऑफलाइन क्लासेस अभी जब तक कि सब कुछ सेफ ना हो जाए और गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन ना आ जाए, एडवाइजरी नोटिफिकेशन एनीथिंग। यस अक्षत, विच रूल कार्तिक? यस विनायक, आई सॉ दैट, चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ट्राई करके देखो, क्योंकि मैंने उनके वीडियोस चैप्टर 2 के उस टाइप के क्वेश्चंस के अपलोड किए हुए हैं, अल्फा बीटा वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सारे एक ही टाइप से होने हैं मोस्टली, तो उनको देखकर थोड़ा सा ट्राई करके देखो, नहीं होता है तो फिर मैं बताऊंगा, और नेक्स्ट जो टेस्ट लूंगा मैं थोड़े दिन
आपके रीजनिंग असर्शन वाले क्वेश्चंस के और एमसीक्यू टेस्ट लेता हूँ, जिससे कि उसकी प्रैक्टिस आपको हो, क्योंकि फर्स्ट टर्म अगर हुआ और स्कूल्स नहीं खुले, जो कि पॉसिबल है नहीं खुलेंगे बिकॉज अभी आप लोगों का वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको एमसीक्यूज की आदत और उनको सॉल्व करने की जल्दी जल्दी उसकी आदत पड़नी चाहिए। यस, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं गौरी, बट इतने मुश्किल नहीं है। मैं जल्दी उनको अपलोड करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि असर्शन रीजनिंग के अभी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो अभी आपके लिए ये फायदा रहेगा कि उन क्वेश्चंस की लिमिटेशंस हैं, मीन्स इतने सारे क्वेश्चंस नहीं है, वो थोड़े ही क्वेश्चंस हैं। आप कहीं भी देखोगे वही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो वो क्वेश्चंस करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई बात नहीं विनायक, स्कूल में नहीं आते बट उसमें आ सकते हैं इस बार फर्स्ट टर्म में। यस सलोनी, गुड, तो ट्राई करते रहो। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना अभी, लेकिन जब उनको सॉल्व करो तो करना प्रॉपरली ही, ऐसे नहीं गेस नहीं करना है कि अरे इसका ऑप्शन ए होगा बी होगा, पहले सॉल्व कर लो, रफली करो, चाहे आपको आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करना, स्टेटमेंट्स तो लिखना आप सीख ही जाते हो, तो उससे आपको क्या होगा, टाइम जो मैनेजमेंट है वो करना आ जाएगा, क्योंकि अभी आप सपोज करो उन्होंने 30 क्वेश्चंस दिए एंड उन्होंने सोचा एमसीक्यूज हैं तो बच्चों को कम टाइम देते हैं, जो कि उन्होंने बोला भी 90 मिनट्स मिलेंगे 90 मिनट्स में, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू हैं, तो क्या हुआ, करना तो सॉल्व पड़ेगा ही, तो सॉल्व कर करके जितना जल्दी जल्दी आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो उसकी प्रैक्टिस करो, मिनिमम मिनिमाइज योर सिली मिस्टेक्स एंड, जो कि बहुत करते हो आप लोग, प्लीज ऐसे मत किया करो, आपके कैलकुलेशंस देख के मुझे हार्ट अटैक आ जाता है कि ऐसे कैसे काम चलेगा। ठीक है, चलो, तो मेरी मृत्यु के जिम्मेदार आप लोग होंगे अगर आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखकर मुझे कुछ हुआ तो। नहीं विनायक, बट आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो तो उस स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर शायद मैं बता पाऊँ। चलो, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल ने 700 रुपीज 7 कैश प्राइजेज में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करी, ठीक है, कोशिश नहीं करी मतलब 700 रुपीज उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कैश प्राइज में 7 स्टूडेंट्स में। आप सबको इक्वली पैसे तो नहीं देने हैं, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है उसको सबसे ज्यादा, फिर उससे कम वाले को कम, फिर उससे कम वाले को कम, तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम 20 रुपीज हर परफॉर्मेंस के लेस कर देंगे, मीन्स फर्स्ट वाले को सबसे ज्यादा जो रुपीज मिले हैं उससे नीचे वाली परफॉर्मेंस वाले को 20 रुपीज कम देंगे, फिर 20 रुपीज कम देंगे, फिर 20 रुपीज कम देंगे, ऐसे करके 7 प्राइजेज हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्राइज मनी किस तरह से होगी। सपोज करो फर्स्ट प्राइज ए रुपीज का था, तो सेकेंड प्राइज कितने रुपीज का होगा, इफ फर्स्ट प्राइज इज ऑफ रुपीज ए तो सेकेंड प्राइज कितने रुपीज का होगा, उससे 20 रुपया कम कितने रुपए का होगा बताइए, आंसर नहीं, 0 रुपीज कैसे अक्षत, फर्स्ट प्राइज ए रुपीज का है तो सेकंड प्राइज ए -20 का होगा, फिर उससे नेक्स्ट प्राइज ए -40 का होगा, ऐसे 20-20 रुपए कम होते चले जाएंगे, तो कितने प्राइजेस हैं, 7 प्राइजेस हैं, तो 7 किसकी वैल्यू हुई बताइए, 7 किसकी वैल्यू है, 7 प्राइजेस हैं तो 7 किसकी वैल्यू है, यस सलोनी बताओ बताओ, 7 प्राइजेस का मतलब 7 किसकी वैल्यू दी हुई है, ए एन की या एन की या एस एन की, यस एन की वैल्यू है, और 700 रुपये टोटल मिला के है, अ सम ऑफ ₹700 उन्होंने खुद ही लिखा हुआ है, तो 700 रुपये क्या चीज है, यस 700 रुपये है एस एन की वैल्यू, तो अब हमारे पास ए भी है चाहे वो ए की फॉर्म में ही क्यों ना हो, डी भी है, डी कितना होगा, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस में थोड़ी गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे, क्योंकि हम यहाँ पर ए को फर्स्ट प्राइज ले रहे हैं, तो डी कितना होगा, 20 रुपए माइनस होते चले आएंगे, डेट इज -20। अगर आप ए को ऐसा भी कर सकते हो कि आप ए को सबसे छोटा वाला प्राइज लो, तो उस केस में डी क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा, कि पहले वाले को ए रुपीज मिले जो सबसे बेकार पुअर परफॉर्मेंस थी, जिसकी बेकार नहीं कहेंगे मतलब 7th स्टेट उस पर जो था पोजीशन पर, तो यहाँ पर हमने -20 -20 लिया, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म ए हमें नहीं पता, कॉमन डिफरेंस -20 है, -20
नंबर ऑफ टर्म 7 है और सम ऑफ प्राइस जो है वो 700, दैट इज S7, सम ऑफ 7 टर्म्स। बस वैल्यू पुट कर दी हमने, वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया हमारे पास फर्स्ट टर्म मींस फर्स्ट प्राइस का ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या आई इससे हमारे पास 2A-120, 320/2, दैट इज 160। तो पहला प्राइस जो होगा 160 रुपये का होगा, पहला प्राइस 160 रुपये, 160 रुपीज मिलेंगे उस बच्चे को। सेकंड प्राइस जो होगा 160 से 20 रुपये कम, दैट इज 140 रुपीज। आई होप मैंने ठीक किया हो, एक बार कैलकुलेशन देख लेना। चलो देखते हैं, यहाँ से ही पता चल जाएगा। फोर्थ प्राइस है 100, फिफ्थ प्राइस है 80, सिक्स प्राइस है 60 और सेवन्थ प्राइस है 40 रुपीज। आई थिंक ये ठीक है, 160 भी है बच्चे, अक्षत 160 से स्टार्ट होगा। पहला प्राइस 160 रुपये, दूसरा प्राइस 140 रुपये, तीसरा प्राइस 120, फोर्थ 100, फिफ्थ 80, सिक्स्थ 60 एंड सेवन्थ 40। अक्षत तुम जब अपने वालों का सम करोगे तो आंसर ठीक आएगा, देख लेना। वैसे 140 नहीं है, नो डायरेक्टली मतलब ये प्राइज, प्राइज मनी की वैल्यू, हाँ ये लिख सकते हो। इन प्राइज मनी को अगर आपने ए की वैल्यू निकाली तो डायरेक्ट लिख सकते हो, हैंस प्राइज आर 160, 140, 120, ये तो मैंने आपको दिखाया है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। वो इसलिए लिया, सपोज करो अक्षत फर्स्ट प्राइज है, सपोज करो फर्स्ट प्राइज है 500 और 20 रुपये कम हो रहे हैं, तो सेकंड प्राइज कितना होगा बताओ बताओ। फर्स्ट प्राइस 500 है, 20-20 रुपये कम देने हैं, चलो। और थर्ड प्राइस कितने का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही देख लो, ये है 500 है ना, ये हुआ 500-20, ये हुआ 500-40, गॉट इट, यस और नो? यस सर, हाँ, तो उसी तरह से हमने 500 की जगह ए कंसीडर किया था, हमें नहीं पता फर्स्ट प्राइस कितना है, तो पहला प्राइस ए, दूसरा हो गया A-20, तीसरा हो गया A-40, मीन्स 20-20 रुपये कम करते जा रहे हैं। इसमें से 20 रुपये हटाए घटाए तो कितना होगा, A-60 हो जाएगा, फिर A-80 हो जाएगा, फिर A-100 हो जाएगा। कितने प्राइस हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन वी हैव सेवन्थ टर्म। आप ऐसे सारी सेवन्थ टर्म भी लिख सकते हो, सेवन टर्म्स, और फिर उनका सम किसके इक्वल होना चाहिए, 700 के। अब कुछ बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, इन्हीं को प्लस करके उससे इक्वल्स टू 700 लिख दो, कर सकते हो क्योंकि सेवन ही टर्म्स हैं, लेकिन फिर भी फॉर्मूला जब गिवन है तो यूज दैट इंस्टेड ऑफ सो लॉन्ग कैलकुलेशंस। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में आ जाता है। क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल में कुछ बच्चों ने प्लान किया कि ट्री प्लांट्स करें, ट्री प्लांटिंग का एक ड्राइव चलाया जाए जिसमें हर क्लास उतने ही पेड़ लगाएगी, प्लांट्स लगाएगी, नॉट पेड़, जितनी वो क्लास है। मीन्स फर्स्ट क्लास है तो एक पेड़ लगाएगी, सेकंड क्लास है तो दो पेड़ लगाएगी, प्लांट्स अगेन पौधे, थर्ड क्लास है तो थ्री प्लांट्स लगाएगी, फोर्थ क्लास है तो फोर प्लांट्स लगाएगी, लेकिन हर क्लास के तीन सेक्शंस हैं। अब फर्स्ट क्लास अगर एक पेड़ लगा रही है तो तीनों सेक्शन मिलाकर कितने पेड़ लगाएंगे बताइए, फर्स्ट क्लास अगर एक पेड़ लगा रही है तो तीनों सेक्शंस मिलाकर कितने पेड़ लगाएंगे, तीन। सेकेंड क्लास कितने पेड़ लगाएगी, उसके भी तीन सेक्शंस हैं, तो सेकेंड क्लास के पेड़ कितने होंगे, पौधे सॉरी नॉट पेड़, 6 होंगे, फिर थर्ड क्लास के कितने होंगे, 9 होंगे, है ना। तो इस तरह से आपकी एपी बन जाएगी, फर्स्ट क्लास ने लगाए एक पेड़, तीन सेक्शन तीन पेड़, सेकेंड क्लास ने टोटल 2 × 3 6, थर्ड क्लास ने 3 × 3 9, फोर्थ क्लास ने 4 × 3 12 एंड सो ऑन, ऐसे करके 12th क्लास तक। तो 12th क्लास ने कितने लगाए होंगे, 12th क्लास ने 12 × 3 दैट इज 36, तो
आपके पास एन की वैल्यू भी है 12th क्लास तक, मीन्स एन इक्वल्स टू 12। आपके पास ए एन की वैल्यू भी है, डेट इज 36। आपके पास ए भी है, डेट इज 3। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमें बताने हैं, प्लांट्स बताने हैं जो उन्होंने लगाए। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सम ऑफ एन टर्म्स। तो हम सम ऑफ एन टर्म्स कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले बता देंगे कि ये एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म कितनी हुई, फर्स्ट टर्म इज 3, सेकेंड टर्म इज 6 है, तो कॉमन डिफरेंस भी 3 आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 12 है, क्योंकि 12th क्लास तक के बच्चों का ये पूरा प्लान है। और जो सम ऑफ एन टर्म्स है वो हमें दे देगा, लास्ट टर्म भी लिख देते हैं क्योंकि हम छोटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सम ऑफ 12 टर्म्स का कैलकुलेट करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा 234। तो टोटल मिलाकर 234 पेड़ पौधे लगाए गए। ठीक है, क्या वैल्यू डिपिक्ट होती है इस क्वेश्चन से? चलो वैल्यू आप मुझे बताओ, इन्होंने तो नहीं पूछा, मैं पूछ लेता हूँ। व्हाट वैल्यू इज डिपिक्टेड बाय स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन? इस प्रश्न में बच्चों द्वारा क्या एक अच्छी या बुरी चीज, बुरी नहीं अच्छी बताई है? कौन सा इंट्रोडक्शन बच्चे? विच इंट्रोडक्शन अक्षर, इस क्वेश्चन का या इस चैप्टर का? क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन ये है कि एक स्कूल के कुछ बच्चों ने नहीं, फर्स्ट क्लास से 12th तक के बच्चों ने, बच्चों को प्लांट्स लगाने हैं एक ग्रीन एंड क्लीन दिल्ली के अंतर्गत सपोज करो। तो डिसाइड ये हुआ कि जितने जिसकी जो क्लास है वो उतने ही पेड़ लगाएगा, मीन्स फर्स्ट क्लास के बच्चे एक एक पेड़ लगाएंगे, एक क्लास एक पेड़ लगाएगी, यस विनायक। सेकेंड क्लास के बच्चे दो पेड़ लगाएंगे, थर्ड क्लास के बच्चे तीन पेड़ लगाएंगे, ठीक है। लेकिन हर सेक्शन अलग अलग लगाएगा, मीन्स हर क्लास के अगर तीन सेक्शन हैं तो फर्स्ट क्लास के कितने पेड़ होंगे टोटल मिलाकर? उन्हें एक एक पेड़ लगाना है, लेकिन तीन सेक्शन है तो टोटल मिलाकर उन्होंने तीन पेड़ या पौधे लगाए। फिर सेकेंड क्लास के भी थ्री सेक्शन हैं तो उन्हें दो दो पौधे लगाने, तो 2 × 3 उन्होंने टोटल 6 पौधे लगाए। ऐसे ही थर्ड क्लास में 3 × 3 9 पौधे लगाए। ऐसे करके 12th क्लास तक बच्चों ने कितने पेड़ लगाए? 12 × 3 डेट इज 36, मीन्स 12th क्लास में 36 पौधे लगाए, फर्स्ट क्लास में 3, सेकंड क्लास में 6, थर्ड क्लास में 9। इस तरह से कुछ हमारे पास सीरीज बन गई पौधों की। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 12th क्लास तक के बच्चों ने लगाए, फर्स्ट से लेकर 12th तक, तो एन की वैल्यू तो 12 हो गई। फर्स्ट टर्म हमें पता चल गया 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 ही है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? सम ऑफ 12 टर्म्स, कि टोटल 12th क्लास तक के बच्चों ने कितने टोटल प्लांट्स लगाए। तो S12 का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और हमारे पास आ गया हमारा जवाब। समझ आ गया? ठीक है, मुझे आवाज आई नहीं, बट आई एम अज्यूमिंग कि तुमने यस सर बोला। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, है नहीं बट कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बला आ गया इसमें। इसमें सिंपल सी बात उन्होंने क्वेश्चन में बोली है कि एक स्पाइरल है, स्प्रिंग टाइप बना हुआ है, स्पाइरल बना हुआ है, यस सलोनी, स्पाइरल बना हुआ है जो कि सक्सेसिव सेमी सर्कल से, कि एक सेमी सर्कल है, आधा सर्कल, फिर उससे बड़ा एक और सेमी सर्कल है, फिर उससे बड़ा और एक सेमी सर्कल है। मतलब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ आधा सर्कल, फिर उसमें कुछ रेडियस बढ़ा दी गई, उससे आधा सर्कल और बना, फिर आधा सर्कल और बना, फिर आधा सर्कल और बना। इस तरह से करके कितने स्पाइरल, इसमें कितने वो हैं टर्न्स हैं? इसमें है 13 टर्न्स आई थिंक, हाँ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स हैं। ऐसे करके एक सेमी सर्कल, फिर दूसरा सेमी सर्कल, फिर तीसरा सेमी सर्कल, ऐसे करके 13 सर्कल्स हैं। 13 सर्कल्स हैं, सेमी सर्कल्स हैं, तो इसका मतलब एन की वैल्यू तो हो गई 13। अब सर्कल्स के बारे में उन्होंने बोला है कि सर्कल्स की लेंथ उन्होंने पूछी है कि ये जो स्पाइरल बनेगा इसकी टोटल लेंथ कितनी है। टोटल लेंथ कब आएगी? जब हम इस सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस
इस सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, इस सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। याद होगा ये लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर सेमी सर्कल है तो इसमें 2 पाई आर अपॉन 2 का फॉर्मूला मीन्स पाई आर अप्लाई करेंगे, यस और नो, पहले बताओ याद है सर्कमफ्रेंस क्या होता है। लेंथ ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, जो सर्कल की आउटर बाउंड्री होती है इसकी लेंथ को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो सेमी सर्कल दिए हुए हैं, यस पेरीमीटर काइंड ऑफ। तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, जब पूरे सर्कल का 2 पाई आर होता है तो सेमी सर्कल का हो जाएगा पाई आर। तो इसका मतलब है मुझे इसका पाई आर कैलकुलेट करना होगा, इसका भी पाई आर कैलकुलेट करना होगा, इसका भी पाई आर कैलकुलेट करना होगा, ऐसे करके मुझे 13 सर्कल्स का पाई आर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम वो पूरा का पूरा हम करेंगे नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी स्मार्ट वे से करेंगे जिससे कि हमें इतना सारा ना करना पड़े। मेन आइडिया आपको समझ में आना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें ये पूरे स्पाइरल की लेंथ कैलकुलेट करनी है, और स्पाइरल की लेंथ तभी आएगी जब हम सेमी सर्कल्स के सर्कमफ्रेंसेस को ऐड कर देंगे, इन सभी सेमी सर्कल्स के सर्कमफ्रेंसेस को। यहाँ तक क्लियर है बात या नहीं, अगर डाउट है तो प्लीज पूछ लो, जिस जिसको क्लियर नहीं है कृपया पूछिए। सभी को नहीं क्लियर है। भाई, पाई आर 2 एंड पाई आर 3। पाई आर टू मतलब क्योंकि रेडियस बच्चे अलग अलग है ना, तो हम एक ही वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, डेट्स वाई पाई आर, फिर पाई आर टू, या आर टू मतलब कोई वेरिएबल है, दूसरी रेडियस, फिर तीसरी रेडियस, जब अलग अलग वो होती हैं रेडियस तो या कोई वैल्यू, तो उनके लिए हम सेम वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, किसको नहीं है मेरी वॉइस क्लियर? सर इट्स क्लियर। फिर भी यस सर, बताओ। क्लियर। चलो गौरी देखो, यहाँ पर बोला है, एक बार फिर समझा रहा हूँ, ये लाइन को मत कंसिडर करना, ये बस ऐसी बनाई है मैंने कि एक स्पाइरल बना हुआ है। स्पाइरल कैसे बनाए, सबसे छोटा एक सेमी सर्कल है, फिर जहां पर वो खत्म हो रहा है वहीं पर दूसरा सेमी सर्कल बनाया दूसरी किसी रेडियस के साथ में, फिर वहां से तीसरा एक सर्कल बनाया सेमी सर्कल और बड़ी रेडियस, फिर वहां से एक और सेमी सर्कल बनाया उससे भी बड़ी रेडियस, ऐसे करके 13 टाइम्स इन्होंने सेमी सर्कल्स बनाए जिससे एक ऐसा स्पाइरल बन गया। वी नीड टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ दिस स्पाइरल, मीन्स ये जो येलो लाइन है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसकी लेंथ कैसे पता चलेगी, मैं इनको अगर स्प्लिट कर लूँ, एक सेमी सर्कल ऐसा बना होगा, फिर उससे बड़ा सेमी सर्कल बना होगा, फिर उससे बड़ा सेमी सर्कल होगा, फिर उससे भी बड़ा सेमी सर्कल होगा, ऐसे करके कितने 13 सेमी सर्कल्स हैं, क्वेश्चन में दिया है 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल, ठीक है। तो इस सेमी सर्कल की जो लेंथ है वो कैसे हमें पता चलेगी, सर्कल की जो लेंथ होती है वो होती है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल की लेंथ क्या हो जाएगी, 2 पाई आर का हाफ, डेट इज पाई आर। तो इस जो सबसे छोटा सेमी सर्कल है उसकी रेडियस है 0.5, तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, पाई मल्टीप्लाइड बाय 0.5। फिर सेकंड सेमी सर्कल जो है उसकी लेंथ, उसकी रेडियस कितनी है, 1.0 या 1, तो इसकी जो लेंथ होगी, इसकी लेंथ होगी पाई मल्टीप्लाइड बाय 1। थर्ड वाले की जो रेडियस है वो 1.5 है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, पाई मल्टीप्लाइड बाय 1.5, सो ऑन, यानी कि 0.5 0.5 का डिफरेंस है रेडियस में, यानी कि फोर्थ वाले की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, पाई मल्टीप्लाइड बाय 2। इस तरह से हमें सारे सेमी सर्कल्स की लेंथ कैलकुलेट करनी है और उन्हें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जिससे हमारे पास ये पूरे स्पाइरल की लेंथ आ जाएगी। नाउ क्लियर, बताइए बताइए, क्लियर है सभी को, कुछ पूछना है तो पूछिए। गुड, चलो तो फिर हम आगे करते हैं अब इसको सॉल्व की कैलकुलेशंस को। हम इसमें पाई आर का, देखो पाई की वैल्यू दी हुई है तो हम इसी को यूज करेंगे, लेकिन सबके पाई आर कैलकुलेट नहीं करेंगे, जब सब में पाई आर है तो हम पाई कॉमन भी ले सकते हैं, तो हम अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा स्मार्ट बनाएंगे। बट हमें लिखना होगा रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सेमी सर्कल इज 0.5, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या होगी, मीन्स लेंथ ऑफ दैट स्पाइरल, पाई मल्टीप्लाइड बाय आर, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय पाई।
सेकेंड वाले की ऐसी क्या होगी, पाई मल्टीप्लाइड बाय वन, इसकी रेडियस वन है तो इसकी लेंथ क्या होगी, पाई मल्टीप्लाइड बाय वन। एंड सिमिलरली सभी सेमी सर्कल्स की लेंथ हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं पाई से मल्टीप्लाई करके, रेडियस की मल्टीप्लाई पाई में, रेडियस की मल्टीप्लाई पाई में। तो ये हमारे पास एक तरह से एपी बन गई, जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 0.5 पाई का, है ना। इसमें से हमें पाई को कॉमन ले लेना है, क्योंकि अगर हम इनको ऐड करेंगे 13th टर्म तक, प्लस का साइन अगर लगाते हैं 13th टर्म तक अगर हमें इनको ऐड करना है, तो हम पाई को कॉमन भी ले सकते हैं। हमने पाई कॉमन ले ली तो अंदर क्या बचा, 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 अप टू 13 टर्म। अब इस एपी का हम सम कैलकुलेट कर लेंगे और फिर जो भी सम आएगा उसे पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगेन ये मेरी कैलकुलेशन है, आप कैसे भी करके कर सकते हो। आप सेपरेटली हर सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करके उसे भी ऐड कर सकते हो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये जो अंदर बन रहा है ये हमारा एक एपी फॉर्म कर रहा है, जिसमें फर्स्ट टर्म 0.5 है, कॉमन डिफरेंस भी 0.5 है, नंबर ऑफ टर्म्स 13 है। इन सब का सम कैलकुलेट करते हैं एस एन से, लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या होगी पाई, ये पाई तो एज इट इज, और सम ऑफ 13 टर्म्स, इन सब का जो सम होगा रेडियाई, रेडियाई का, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई से तो हमारे पास लेंथ ऑफ स्पाइरल आ जाएगा। अगेन ये मेरी कैलकुलेशन है, आप खुद से कर सकते हो सेपरेटली इन्हीं को ऐड कर करके भी। सो एस एन का फॉर्मूला लगाया, 13 टर्म्स का फॉर्मूला कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर जो भी आया उसे मैंने लास्ट में कर दिया पाई से मल्टीप्लाई। अगेन डेसिमल वेसिमल मत करने लग जाना, क्योंकि प्रोबेबली लास्ट में आपका आंसर कैंसिल आउट हो जाएगा 7 से। ये देखो ये आया मेरे पास सम, अब इसको मैं पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास लेंथ ऑफ स्पाइरल आ जाएगी। पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या है, पाई मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ 13 टर्म्स। तो पाई की वैल्यू पुट करी 22/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 हो गया और आंसर आ गया 143 सेंटीमीटर। छोटी सी कैलकुलेशन है, इसको आप बड़ा बनाना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ी सी हो सकता है आपको लगे कि पता नहीं क्या क्या सर ने कर दिया, हम तो सिंपल इसको ऐड कर देते हैं, दैट इज इजियर। 0.5 पाई प्लस 1 पाई, आप इनको इंडिविजुअली अगर सॉल्व करके करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड सेमी सर्कल एंड अप टू 13th सेमी सर्कल, जो भी आपको ठीक लगे। ये क्वेश्चन, अगर ये वर्ड प्रॉब्लम्स आई तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा, यही है इस क्वेश्चन, ये वाला और एक वुडलॉग वाला जो इसके बाद में है। ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 जो लास्ट की है, कॉन्ट्रैक्टर वाला भी, ये वाला भी, प्राइज वाला भी, पोटैटो रन वाला भी जो लास्ट क्वेश्चन है, और वुडलॉग वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन आपके अगर आ रहे हैं, लास्ट ईयर हट गए थे लेकिन इस बार अगर आ रहे हैं तो यस ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर तो कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है, प्रॉबेबली ये हटा दिए जाएंगे, स्टिल आपको करने आने चाहिए क्योंकि एपी फिर 10th 11th क्लास में भी आएगी तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। इसका एक क्वेश्चन और बचा है वो मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी, वैसे मतलब दो क्वेश्चन बचे हैं लेकिन वो आपको करना है, पोटैटो रन वाला तो आप खुद करोगे, मैं नहीं करवाऊंगा। ये वाला भी आप वैसे खुद ही ट्राई करके देखना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा समझा देता हूँ, ट्राई आप खुद करना। इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि वुडलॉक्स रखे हुए हैं, वुडलॉक्स मीन्स लकड़ी के लट्ठे कुछ इस तरह से रखे हैं कि टोटल नंबर ऑफ वुडलॉक्स तो है 200, तो इससे आपको पता चल जाता है जो सम दे रखा है वो 200 है, टोटल वुडलॉक्स 200 है, जिनको इस तरह से रखा है कि पहले 20 वुडलॉक्स हैं, पहली वाली रो में कितने हैं 20 है, फिर उससे ऊपर वाली में कितने कम है, उससे एक कम है, मीन्स 19 है, फिर उससे ऊपर वाली में 18 है, इस तरह से उन्होंने कुछ ऊपर तक रखे हैं, ठीक है। निकिता अब दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, सो यू कैन आस्क लेटर। तो आपको देखो एपी पता चल गई कि उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी 20 होगी,
सेकेंड टर्म क्या होगी 19 होगी, थर्ड टर्म क्या होगी 18 होगी, फोर्थ टर्म क्या होगी 17 होगी। तो इस तरह से एपी बनी अप टू एन टर्म, हमें नहीं पता कि कहाँ तक है ये अप टू एनथ टर्म तक। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो है 20, कॉमन डिफरेंस कितना है -1, एन की वैल्यू हमें नहीं पता लेकिन एस एन पता है कितना है 200। इसमें जब इसमें कैच कहाँ आएगा, जब आप एस एन से एन की वैल्यूज कैलकुलेट करोगे तो दोनों एन की वैल्यूज एक्सेप्टेबल आएंगी, मींस पॉजिटिव आएंगी। एक एन की वैल्यू 16 आएगी आई गेस, और एक एन की वैल्यू 25 आएगी। तो आपको चेक करके देखना पड़ेगा कि कौन सी एन की वैल्यू पुट करने पर ए एन की वैल्यू पॉजिटिव नंबर आ रही है, दोनों से पुट कर करके देखना। जिससे भी पॉजिटिव आएगी वही आंसर एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि वुडलॉक्स नेगेटिव तो नहीं हो सकते। तो आप चेक करके देखोगे कि ए एन मीन्स एन की वैल्यू 16 पुट करने पर ए एन कैस क्या आता है, और एन की वैल्यू 25 पुट करने पर ए एन क्या आता है। जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो ही आंसर होगा, जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो हम कर देंगे रिजेक्ट। ठीक है, तो इसको ट्राई करके देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी और पोटैटो वाला भी। पोटैटो रन वाला जो है कि एक लड़की दौड़ दौड़ कर पोटैटो कलेक्ट कर रही है, और पहले वो कलेक्ट करती है पोटैटो, फिर उसे वापस बकेट में डालने आती है, फिर पोटैटो दूसरा कलेक्ट करने जाती है, फिर उसे बकेट में डालने आती है। तो इस तरह से नो इमेज से काउंट करके नहीं लिख सकते बच्चे, यू कैन नॉट डू दैट। तो पोटैटोज को कलेक्ट करने में, सारे पोटैटोज को कलेक्ट करने में उसको कितनी डिस्टेंस कवर करना पड़ा वो आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है, पहला पोटैटो का डिस्टेंस देखना, उसका डबल कर दोगे तो आपके पास पहली टर्म आ जाएगा, आई थिंक इट्स 8 8 मीटर्स, तो 16 आ जाएगी। दूसरा पोटैटो 8 + 5 13 13 मीटर्स के डिस्टेंस पर है, तो 13 2 = 26। फिर तीसरा पोटैटो 13 + 5 8 5 13 और 5, ऐसे ही कुछ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको, स्केरी क्वेश्चन नहीं है बच्चे, इजी है, ट्राई करके देखोगे तो हो जाएंगे ये वाले क्वेश्चंस। ट्राई करके देखना, और आपका ये चैप्टर मैं तो फिनिश ही समझ रहा हूँ।